हम लोग एनसीईआरटी रीड अलोंग एक्सरसाइज में वर्क एनर्जी पावर पढ़ रहे थे। तो वर्क एनर्जी पावर में ये है लेक्चर नंबर 3। तो आप अपनी एनसीईआरटी ओपन कर सकते हैं। एनसीईआरटी बुक में आर्टिकल हमें जो पढ़ना है वो है 6.3। सो लेट्स स्टार्ट विद आर्टिकल 6.3 विच इज अबाउट वर्क। तो वर्क कैलकुलेट करना बेसिकली हम इसमें सीखेंगे। कब वर्क होना माना जाता है, कब वर्क नहीं होता है, जीरो होता है, किन किन सिचुएशन में, तो वो डिस्कस करेंगे। एज सीन अर्लियर, वर्क इज रिलेटेड टू फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट ओवर विच इट एक्ट्स, यानी फोर्स जिस डायरेक्शन में काम कर रहा है उस पर डिपेंड करेगा। कंसिडर ए कॉन्स्टेंट फोर्स एफ एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास एम, जैसे डायग्राम में आप देख रहे हैं। द ऑब्जेक्ट अंडरगोज ए डिस्प्लेसमेंट डी इन द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन एज शोन। माना कि फोर्स लगाया हमने एंगल थीटा पर, तो ये जो ब्लॉक है ये मूव कर रहा है अलोंग हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस डी से, जिस तरह से यहां दिख रहा है। नाउ द वर्क डन बाय द फोर्स इज डिफाइंड टू बी द प्रोडक्ट ऑफ कंपोनेंट ऑफ द फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स का कंपोनेंट लेंगे और उसको डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो फोर्स का कंपोनेंट है यहाँ पर एफ कॉस थीटा, उसको डी से मल्टीप्लाई किया, तो इसको हम स्केलर प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हैं, जो लेक्चर 1 में हमने सीखा था स्केलर प्रोडक्ट। तो एफ डॉट डी बेसिकली क्या होता है, एफ डी कॉस थीटा के बराबर होता है। वी सी दैट इफ देर इज नो डिस्प्लेसमेंट देर इज नो वर्क डन इवन इफ द फोर्स इज लार्ज। इसी एक्सप्रेशन से हम समझ सकते हैं, अगर फोर्स जीरो है तो वर्क नहीं होगा, डिस्प्लेसमेंट जीरो है तो वर्क नहीं होगा, कॉस थीटा जीरो है मीन्स थीटा 90 है तो भी वर्क नहीं होगा। दस व्हेन यू पुश हार्ड अगेंस्ट ए रिजिड ब्रिक वॉल, दीवार को आप धक्का मारो कितना भी जोर से धक्का मारो, द फोर्स यू एक्सर्ट ऑन द वॉल डज नो वर्क, कोई वर्क नहीं हो रहा है यहाँ पर। येट योर मसल्स आर अल्टरनेटिवली कॉन्ट्रैक्टिंग एंड रिलैक्सिंग एंड इंटरनल एनर्जी इज बींग यूज अप, आप थक जाएंगे पर वर्क डन जीरो है एंड यू गेट टायर्ड। दस द मीनिंग ऑफ वर्क इन फिजिक्स इज डिफरेंट फ्रॉम इट्स यूजेज इन एवरीडे लैंग्वेज। तो इसको हमें समझना होगा, यानी कोई तो कहे कि मैं बहुत काम कर रहा हूँ बहुत काम कर रहा हूँ, और पता चले फिजिक्स की डेफिनेशन के हिसाब से वर्क डन जीरो है। फॉर एग्जाम्पल जो टाइटल पेज था इसमें इस वीडियो में, उसमें एक मजदूर दिखाए गए जो सर पर ईंटें लेकर कैरी कर रहे हैं। अगर हम अगेंस्ट ग्रेविटी बात करें तो उसका डिस्प्लेसमेंट हॉरिजॉन्टल है, जबकि ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है वर्टिकल डायरेक्शन में। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल थीटा 90 हो गया, तो वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी वहां पर उस केस में जीरो हो गया। पर काम तो हो रहा है, ईंटें ट्रांसफर हो रही है, वो थकेगा भी सही, पर हॉरिजॉन्टली जब वो ईंटें लेकर जा रहा है तो फिजिक्स की डेफिनेशन वर्क की डेफिनेशन के हिसाब से उसका कोई वर्क नहीं हो रहा है, यानी वर्क डन जीरो है। तो किन किन सिचुएशन में वर्क डन जीरो होगा ये हम देख लेते हैं। नो वर्क इज डन इफ, पहला पॉइंट, द डिस्प्लेसमेंट इज जीरो एज सीन इन द एग्जांपल अबव। ए वेट लिफ्टर होल्डिंग ए 150 किलोग्राम मास स्टेडिली ऑन हिज शोल्डर फॉर 30 सेकेंड डज नो वर्क ऑन द लोड ड्यूरिंग दिस टाइम। उठाए रखे भले, थकता जाएगा वो, पर वर्क डन जीरो है जब तक उसने उठा के रखा हो। हाँ, उठाने में वर्क किया उसने, नीचे रखने में भी वर्क होगा, उठा के रखने में कोई वर्क नहीं होगा फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। द फोर्स इज जीरो, अगर फोर्स जीरो होगा तो वर्क नहीं होगा। ब्लॉक मूविंग ऑन ए स्मूथ हॉरिजॉन्टल टेबल, स्मूथ यानी फ्रिक्शनलेस टेबल मान लिया हमने, उस पर एक ब्लॉक मूव कर रहा है, इज नॉट एक्टेड अपॉन बाय ए हॉरिजॉन्टल फोर्स, कोई फोर्स नहीं लग रहा है सिंस देयर इज नो फ्रिक्शन, फ्रिक्शन नहीं है तो उसको चलाने के लिए फोर्स भी नहीं है, बट मे अंडरगो ए लार्ज डिस्प्लेसमेंट, उस मूव कर सकता है जैसे बर्फ पर स्की करने वाले लोग मूव कर रहे हैं। फ्रिक्शन को अगर जीरो मान ले तो फोर्स कोई नहीं है पर मूवमेंट है, तो बिना फोर्स के भी वर्क डन जीरो होगा। थर्ड सिचुएशन, द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट
आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, दोनों के बीच में एंगल हो जाए 90 डिग्री तो भी वर्क डन जीरो होगा। दिस इज सो सिंस फॉर थीटा इक्वल टू पाई बाय टू रेडियन इक्वल टू 90 डिग्री कॉस पाई बाय टू होता है जीरो हो जाता है। फॉर द ब्लॉक मूविंग ऑन ए स्मूथ हॉरिजॉन्टल टेबल द ग्रेविटेशनल फोर्स एम जी डज नो वर्क, एम जी की वजह से कोई वर्क नहीं होगा सिंस इट एक्ट्स एट राइट एंगल्स टू द डिस्प्लेसमेंट। हाँ, इफ वी अज्यूम दैट द मून्स ऑर्बिट अराउंड द अर्थ इज परफेक्टली सर्कुलर, ऐसा मान लें हमें पता है इलिप्टिकल है सर्कुलर मान लें, देन द अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स डज नो वर्क, कोई वर्क नहीं हुआ। द मून्स इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट इज टेंजेंशियल व्हाइल द अर्थ फोर्स इज रेडियली इनवर्ड्स एंड थीटा हो गया पाई बाय टू। तो ऐसे कई केसेस बन जाएंगे। ऐसे अगर हम बात करें कि इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन एटम में न्यूक्लियस के चारों तरफ घूम रहा है, वर्क डन इज जीरो, कैसे, जो फोर्स है वो डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर है। अजम्पशन वही है कि ऑर्बिट सर्कुलर है, ये हमने अजम्पशन लिया हुआ है। तो ये मैं डायग्राम बनाकर आपको बता देता हूं कैसे ये है। सो लेट्स सी, ये न्यूक्लियस जो पॉजिटिवली चार्ज है हाइड्रोजन एटम में, और माना कि सर्कुलर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। अगर इलेक्ट्रॉन अभी इस लोकेशन पर है तो इस पे लगने वाला जो फोर्स है, अट्रैक्शन का फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन की जगह हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक अट्रैक्शन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, और इलेक्ट्रॉन का जो डिस्प्लेसमेंट है टेंजेंशियल डायरेक्शन में, दोनों के बीच यहां पर ये जो एंगल बना फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट के बीच वो 90 डिग्री बना, और इसी की वजह से वर्क डन हो गया जीरो। तो ये डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन हुई जिसमें वर्क डन जीरो हो सकता है। वर्क कैन बी बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव, साइन जो है वर्क का पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है। जैसे नेगेटिव किस केस में, हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस भी किया था बच्चों, इसको मैं दोबारा बता देता हूं। मान लीजिए इस बॉक्स को हम खिसकाते हैं रफ सरफेस पर फोर्स एफ लगाकर, तो एफ फोर्स कोई लगा रहा है इस पर, इसको खिसकाने के लिए कोई व्यक्ति एफ फोर्स लगा रहा है, और इसके बॉटम पर फ्रिक्शन लग रहा है स्मॉल एफ। तो हम देख रहे हैं ब्लॉक अगर डिस्प्लेस होकर यहां आ जाता है नई लोकेशन, जो मैंने डॉटेड लाइन से बनाई है, तो ब्लॉक का जो डिस्प्लेसमेंट हुआ और ये जो कैपिटल एफ है ये दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो वर्क डन बाय कैपिटल एफ इज पॉजिटिव, उसका साइन होगा पॉजिटिव, पर जो स्मॉल एफ है फ्रिक्शन का फोर्स, उसने जो वर्क किया, वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स, इट विल बी नेगेटिव। रीजन बिहाइंड, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में जो एंगल है वो 180 डिग्री आप मिल रहे हैं, तो 180 डिग्री होने से cos 180 जब निकालेंगे हम डॉट प्रोडक्ट में तो cos 180 माइनस 1 आ जाएगा। तो इसके बेसिस पे हम ये कह सकते हैं कि वर्क डन पॉजिटिव हो सकता है नेगेटिव हो सकता है। If theta is between 0 to 90 degree, cos theta is positive. If theta is between 90 degree to 180 degree, cos theta is negative. In many examples, the frictional force opposes displacement and theta is 180 degree. Then the work done by friction is negative. From equation 6.4, it is clear that work and energy have the same dimension. Dono ki unit bhi same hai, joule. ML to T minus 2, ye dimension hai. The SI unit of this is joule. Named after the famous British physicist James Prescott Joule. Since work and energy are so widely used as physical concepts, alternative units abound and some of these are listed in table. तो सारी units के बारे में आपको थोड़ा सा idea होना चाहिए, तो वो कौन कौन सी है देख लेते हैं। CGS unit है बच्चों अर्ग, और एक जूल में होते हैं 10 पावर 7 अर्ग होते हैं, यानी एक अर्ग में हुए 10 पावर माइनस 7 जूल।
जूल बड़ा है अर्ग छोटा है, तो एक जूल में 10^7 अर्ग इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी यूनिट है, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 1.6 × 10⁻¹⁹ जूल होंगे, किलोरी एक किलोरी में 4.186 जूल होगा, किलोवाट आवर इलेक्ट्रिसिटी में हम इस यूनिट को यूज करेंगे 3.6 × 10⁻⁶ जूल। तो आपको पता है तो किलोवाट आवर को हम वन यूनिट बोलते हैं, हमारे बिजली के मीटर की रीडिंग इसी में जाती है, किलोवाट आवर KWH या यूनिट हम उसको बोलते हैं। एग्जाम्पल एग्जाम्पल देखते हैं 6.3। ए साइक्लिस्ट कम्स टू ए स्किडिंग स्टॉप, यानी हो सकता है उसके ब्रेक काम नहीं कर रहे हो तो चप्पल घिस कर वो रुकता है, स्किडिंग स्टॉप या फिसल कर रुकता है इन 10 मीटर, 10 मीटर डिस्टेंस लगती है उसको रोकने में। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस द फोर्स ऑन द साइकिल ड्यू टू द रोड वो है 200 न्यूटन एंड इज डायरेक्टली अपोज टू द मोशन, और ये फोर्स जो है वो मोशन को अपोज कर रहे हैं। पार्ट ए, हाउ मच वर्क डज द रोड डू ऑन द साइकिल, रोड ने कितना वर्क किया वो पता करना है। हाउ मच वर्क डज द साइकिल डू ऑन द रोड, और साइकिल ने कितना किया वो हमें पता करना है। तो फोर्स की जो डायरेक्शन है उस पर डिपेंड करेगा वर्क डन का साइन। तो इसको अगर हम चेक करें, सॉल्यूशन देखें, वर्क डन ऑन द साइकिल बाय द रोड इज द वर्क डन बाय द स्टॉपिंग फ्रिक्शनल फोर्स ऑन द साइकिल ड्यू टू द रोड, ऐसा हम कह सकते हैं। सो द स्टॉपिंग फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट उनके बीच एंगल 180 डिग्री आ रहा है, दस वर्क डन बाय द रोड W सबस्क्रिप्ट R से हमने दिखाया इसको, FD cos थीटा, तो 200 ये तो फोर्स हो गया, डिस्प्लेसमेंट 10 हो गया, cos pi तो -2000 जूल आ गया। इट इज द नेगेटिव वर्क दैट ब्रिंग्स द साइकिल टू ए हॉल्ट इन अकॉर्डेंस विद वर्क एनर्जी थ्योरम, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी उसकी जीरो हो गई, घटकर सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी वर्क में कन्वर्ट हो। फ्रॉम न्यूटन्स थर्ड लॉ अगर हम बात करें, एन इक्वल एंड अपोजिट फोर्स एक्ट्स ऑन द रोड, रोड पर काम करेगा ड्यू टू द साइकिल, जिसका मैग्नीट्यूड वही 200 न्यूटन होगा। हाउएवर द रोड अंडरगोज नो डिस्प्लेसमेंट, रोड का डिस्प्लेसमेंट जीरो है, दस वर्क डन बाय साइकिल ऑन द रोड इज जीरो, ये समझने की बात है। तो साइकिल ने रोड पर कोई वर्क नहीं किया, साइकिल ने भले ही घिसड़ी हो, टायर घिसड़ गया, फ्रिक्शन हुआ, पर रोड को खिसका तो नहीं पाया, इसकी वजह से वर्क डन जीरो। द लेसन ऑफ दिस एग्जाम्पल, इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है, इज दैट दो द फोर्स ऑन ए बॉडी ए एग्जर्टेड बाय द बॉडी बी इज ऑलवेज इक्वल एंड अपोजिट फोर्स वहां होगा टू दैट ऑन बी बाय ए, न्यूटन थर्ड लॉ काम करेगा, द वर्क डन ऑन ए बाय बी इज नॉट नेसेसरीली इक्वल एंड अपोजिट टू द वर्क डन बाय बी ऑन ए, ये ध्यान में रखने की बात है, ऐसा हमेशा हो जरूरी नहीं है। तो बच्चों इस लेक्चर में हमने वर्क डन का कंसेप्ट सीखा, नेक्स्ट लेक्चर में हम काइनेटिक एनर्जी को समझेंगे और उसके बाद दोनों को फिर से लिंक करेंगे वर्क एनर्जी थ्योरम। टिल देन हैप्पी लर्निंग।